क्योंकि ये सरकार तो हिलडोल वाली है ना, अभी कब जाएगी कब रहेगी, इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है कि अब हमारे आरक्षण को यह समाप्त कर सकते हैं। इसलिए हम उन नेताओं को जो चिट्ठी दिखा रहे हैं, ये चिट्ठी है ऐसे करके दिखा रहे हैं, हम वैसे लोगों का कोई खुशखबरी नहीं, हम कहते कि वो डर से ही चिट्ठियां दिया है। आई यूपीएससी के चेयरमैन का चिट्ठी होता तब ना हम मानते कि हाँ ये हो गया फाइनल। यूपीएससी के चेयरमैन का तो चिट्ठी है नहीं, केवल मंत्री के चिट्ठी का कोई वैल्यू है क्या? ये है इसलिए कि जो दलित नौजवान आदिवासी नौजवानों में जो गर्मी अभी आई है उसको ठंडा करने के लिए है, भटकाने के लिए है। हम इससे भटकते नहीं है, हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में अगर भारत सरकार दलितों के आरक्षण को इसी तरह से मसलने का काम किया, और इनके जो मार्गदर्शक हैं आरएसएस के लोग, वो तो पहले भी कहे कि आरक्षण पर होना चाहिए समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण की, तो ऐसे ही जो मनसा रखने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आरक्षण दिया था इसलिए नहीं दिया था कि आर्थिक विकास के लिए नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का आरक्षण था कि समाज में इंसान के बीच में नफरत फैलाने का जो नियम था, अछूत जो बना के रखे थे, उस अछूतपन को दूर करने के लिए, सामाजिक गैर बराबरी को दूर करने के लिए मुख्य धारा से जोड़ना चाहते थे हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसलिए आरक्षण लागू किया गया था। और जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक हम सब लोगों का विरोध जारी रहेगा, और हम राष्ट्रीय जनता दल का तो पहले से ही है निर्णय है कि आरक्षण हम लागू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, चाहे ईबीसी का हो, चाहे पिछड़े का हो, चाहे दलित का हो या आदिवासी का हो, और आज भी उसी लाइन पर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है, हम इसका समर्थन करते हैं, और जो भारत सरकार की नीति है उसका विरोध करते हैं। अपने नेताओं को धन्यवाद देते हैं।